हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल सिटी के व्लॉग्स में। बहुत दिन बाद आज हमने व्लॉग स्टार्ट किया है, मतलब व्लॉग बना रहे हैं। तो आज संडे है और इतने दिनों से ना यार कुछ भी मन नहीं कर रहा ना रेडी होने का ना कुछ। और देखो, ये देख रहे हो क्या, फुंसी वाइट भी हो गई है। ये पता है इसमें दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, इसमें दर्द हो रहा है। मैंने ये वाला सूट पहना है क्योंकि यार जींस विंस पहनने का फिर उसमें पसीने आ जाते हैं ना, मन ही नहीं कर रहा। ये थोड़ा लूज सा है ना तो इसलिए अच्छा लग रहा है। हाँ, फिर कमेंट आते हैं कि एक ही जींस है। मेरे को कंफर्टेबल ही जब वही लगती है, बाकी सारी दो तीन चारों जो भी है वो ऐसी है। और एक तो मेरी टाइट हो गई है, देखो उसको तो मैं गिन नहीं रही। वैसे दो टाइट हो चुके हैं, मैं क्या करूँ, मेरा वजन बढ़ रहा है तो बताओ क्या करूँ। इतना मोटापा पता नहीं क्यों बढ़ रहा है, मुझे भी नहीं कुछ पता चल रहा। तो चलो भाई, वजन तो घटता बढ़ता रहेगा। और मैं ये बोल रही थी, क्या बोल रही थी, मैं भुलवा दिया मैं जो बोल रही थी। हाँ, बहुत दिनों से पता है मेरा ऐसा कुछ भी नहीं मन कर रहा है यार, काम वाम करने का कुछ भी। थक रहे हैं ना, मौसम ऐसा हो रहा है, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही है, वो तो खुला पड़ा है। खड़े होकर दिखा दो अपनी ड्रेस। वैसे तो आप लोगों ने देख रखी है, मैंने कुकू को ये पहना था कि ज्यादा धूप भी ना लगे क्योंकि मार्केट चल रहे हैं गाइस अभी। मुझे ना ये वाली साड़ी देख रही हूँ, अगर इस साड़ी का रेडीमेड ब्लाउज मिल जाता है तो मैं इस साड़ी का रेडीमेड ब्लाउज लूंगी, ना तो फिर देखूंगी क्या करना है, समझ नहीं आ पा रहा। और क्या बोलो, बस साड़ी के लिए चल देते हैं। और क्या दिमाग मत खराब करो यार, सिटू चलना है तो बताओ चलो, ना तो फिर रहने दो। दिमाग खराब करो, पहले मैं रेडी हो गई हैं। कहीं कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, पता नहीं कहाँ ले चलोगे गाइस। पता है गर्मियों की वजह से कुछ भी नहीं मन कर रहा है यार, ना लिपस्टिक वो ब्रश वाली लगाने का, ना लाइनर, तो आज मैंने बस लगा ही लिया है। बहुत दिनों से मैं कुछ भी नहीं कर रही, पता है, इसलिए व्लॉगिंग भी नहीं की मैंने। कुछ रूम वगैरह शिफ्ट किया था तो उसकी भी थोड़ी वो आएगी भाई, उसमें बिजी थे। और अभी तो ढंग से सेट भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत जो हुआ है वो आपको मैं शॉर्ट वीडियो में दिखाती रहती हूँ। आप लोग शॉर्ट वीडियो देखते रहते हो और शॉर्ट वीडियो अपलोड नहीं की मैंने। चलो कर देती हूँ, फिर आगे करूँगी, मिलते हैं गाइस बाद में। गाइस बाहर इतनी तेज धूप थी, बिल्कुल शूट ही नहीं किया हमने, फोन भी पता इतना गर्म हो गया था। और देखो यार संभाल लग जाके कैसे ड्रामे दिखा रहे हैं। सच में बहुत तेज धूप थी, मेरा मुंह देखो पूरा लाल पड़ गया, बहुत चिल्ले धूप। और गोलगप्पे खाए, पता है पानी मेरे यहाँ फैल गया ना, अब तक मिर्च लग रही है। पहले ये हटाऊं, गर्मी कितनी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। जो सामान लेने गए थे वो फाइनली मिल गया, और बाकी दो चार और था सामान वैसे तो, जो कि हर बार प्रॉपर जैसे सोच के जाते हैं, देखो वैसा तो मिलता है नहीं। मैंने अपना रेडीमेड ब्लाउज ले ही लिया कॉन्ट्रास्ट में। हालत खस्ता हो गया यार इस आदमी की, पानी चाय पानी का जुगाड़ के नहीं हो पा रहा है। बढ़िया शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, वैसे चाय पानी के जुगाड़ नहीं हो रहा, वैसे डेली दही मार रहे हैं। आधे आधे किलो देख लो, कहाँ क्या दिखा रही थी मैं, मैंने ना ये वाला बोल लिया छोटू, मान जाओ ना छोटू। लड्डू गोपाल जी के भी तो कपड़े हैं। हाँ गाइस, पता है लड्डू गोपाल जी के भी कपड़े, वैसे तो लड्डू गोपाल जी के कपड़े ही लेने गए थे हम साथ में, मैं अपने साड़ी का सामान तो करना चाहिए लड्डू गोपाल जी के। देखो गर्मी हो गई, उनके पास बहुत सारे कपड़े हो रखे, लेकिन गर्मियों के ऐसे वाले नहीं है। अरे इतने छोटे बेटा, वो भी तो छोटे हैं ना, सुंदर लग रहे हैं। हमने तो बटन के मिल जाएंगे, लेकिन बटन के कहीं भी नहीं मिले। बाकी मैंने अपने ये रेडीमेड ब्लाउज लिया, साथ में पेटीकोट वगैरह सब चीज, कुकू की ये ड्रेस ली। कुकू निकाल दी क्या इसमें से, सुंदर लग रही है अब गर्मियों के हिसाब से। छोटू को अच्छी लगी वो, मैंने कहा चलो उसके साथ प्लाजो आए, उसके स्क्रॉच वगैरह लिए थे, खाया पिया और आगे गर्मी में मर गया यार इतने से में। हालत हो गई खस्ता गाइस, पानी पी लो, उसमें पानी खत्म हो गया ना बोतल में। कुकू पहन के देखो बेटा, आगे ड्रेस भी बनाऊं। छोटू कितनी गर्मी थी यार, आप लोग कर लो, मैं जा रहा हूं काम करने के लिए। ठीक है छोटू, कितनी गर्मी थी। ओ बर्थडे की जरूरत नहीं बेटा, अभी पहन लो। चलो गाइस आपसे मिलते हैं बाद में। बस खुश मिल के शांति, क्या लड़ाई कर ली, और लड़ना है, मरा नहीं पेट अभी, बता दो क्यों लड़ाई करी थी।
छोटी छोटी बातों पर अगर बहस हो जाएगी तो उसको भी लड़ाई का नाम दे रहे हैं। तो हम दोनों में तो लड़ाई होती है। पता है सिटू चले गए थे अपने किसी काम से, फिर आए बाद में हम गए थोड़ा घूमने, देखो कुकुस हो गई और मैंने शॉर्ट वीडियो में बोल दिया है कि आप लोग मतलब इस व्लॉग को देखना। आप कुछ बोलना चाहोगे? और गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा हमारा न्यू घर चेंज कर लिया है। हाँ, आप लोगों को तो पता ही है क्योंकि आप लोग शॉर्ट वीडियो देखते हैं। वैसे तो सब लोग को पता है लेकिन फिर भी लोग बार बार पूछते हैं, ठीक है वो तो भाई दुनिया है, दुनिया तो पूछेगी बार बार, क्यों पूछती है हमें ये भी पता है, कोई बात नहीं। लोगों के कमेंट भी है कि सेपरेट लिया है, कितना रेंट है, ये वो बहुत सारे कमेंट है। तो हाँ जी सेपरेट लिया है, और जो है जो रेंट वगैरह है वो रिवील तो नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों को खुद पता है, खुद ही पता है आप लोग को। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेंट पर रहते हैं, ज़्यादातर पता है लोग रेंट पर ही रहते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि आजकल लोगों का काम ही ऐसा है कि लोगों को रेंट पर रहना पड़ता है। पर रेंट पर रहने के यार सच में बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा, और इतनी प्रॉब्लम्स होती है ना, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कोई प्रॉब्लम्स कभी कुछ लोगों से शेयर नहीं कर सकते, कुछ बात शेयर भी नहीं कर सकते। सच में ये वाली बात है कि एकदम बस बिल्कुल कोई कोई चीज़ें तो इतनी हद से बाहर हो जाती है ना। और बाकी कई लोगों को तो ये लगता है कि वाह यार नए नए घर में जाते रहते हैं, देखियो मजे से रहते हैं, और टाइल्स हैं, पत्थर हैं, ये वो है, मतलब ये समझ में नहीं आता यार। मतलब ये कोई खाने को थोड़ी देर टाइल्स पत्थर वगैरह रहता है ना, उसको ही पता होता है बस, है ना इस सिचुएशन में। और जो लोग रेंट पर रहते हैं बहुत बड़ी चीज़ होती है, पता है कितना भी बड़ा घर ले लो आप, कितना भी बड़ा घर ले लो, लेकिन जो चीज़ें होती हैं ना लोगों के साथ वो उन्हीं को पता होती है जो लोग रेंट पर रहे हैं या फिर रहते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, अगर प्रॉब्लम्स ना होती तो हम ऐसे चेंज ना करते। और हम डेली वीडियोस व्लॉग आपको देखने को मिलते हैं हमारे, बट कोई नहीं अभी हम फिर कंटिन्यू आप लोगों के साथ हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यार लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अब ऐसा है ना लोगों का अलग अलग नेचर होता है, हमारा नेचर है, कुछ एज भी होती है, किसी से बोलना ना बोलना सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो अभी हम बच्चे हैं, बच्चे मतलब ऐसे तो नहीं, मतलब सब कुछ समझते हैं ऐसा नहीं है, बट यार एक चीज़ होती है ना कि कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है कि आप समझ रहे हो ना कि किसी में ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, ऐसे ही पसंद होता है अपने आप को, मतलब थोड़ा शांति में रहो ये वो, पर दूसरे लोगों को नहीं पसंद होता है ऐसे, वो लोग घुसना चाहते हैं आप लोगों को, तो वही चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, तो इसीलिए फिर थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, बाकी आप लोग इन्हीं दो तीन लाइनों से सब कुछ समझ गए होंगे। और कुकू अभी सो रही है, और बाकी अभी हमने सेट तो कर लिया है कि धीरे धीरे अब अच्छा सा सेट हो जाएगा, उसमें हमने गमले वगैरह सब चीज़ हमने सेट कर लिए, छत भी दिखाएंगे आपको या तो कल दिखाएंगे हम। और हाँ गाइस जब से हम यहाँ पे आए हैं जब से हम रात को ही कपड़े धोते हैं, क्योंकि दिन में तो इतनी तेज़ धूप होती है ना, गर्मी तेज़ धूप होती है और गर्मी होती है, तो मैं नहीं जाती हूँ छत वगैरह पे, मैं तो अभी धो लेंगे हम कपड़े। गाइस मेरे को काली हो जाएगी, काली पड़ जाएगी। क्या है सही तो बोला है, धूप में काली हो रही, गोरी हो रही, प्लीज कमेंट नहीं, धूप में जाओगे तो मेरे भाई काली पड़ जाएगी, इसलिए धूप में जाओ। अभी कपड़े वगैरह गर्मी बहुत है यार छोटू, पता है कुकू को लेने जाते हैं ना पूरी पसीने में नहा जाती हूँ। क्यों मुझे तो पता ही नहीं है, इतनी ज्यादा गर्मी होती है, आप लोग वैसे मेरे शॉर्ट वीडियो देखते हो उसमें क्या हाल हो जाता है। और मैं जैसे अब आज गया था सूट भी पता है पहनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे शरीर से चिपकने लगता है ना बहुत ज्यादा, वो होती है तकलीफ सी। लोअर टी शर्ट खुले खुले लॉन्ग कुर्ते वगैरह पहन लो, पहनने को भाई सच में बहुत ज्यादा गर्मी है। जैसे भगवान जी पता नहीं क्या कह रहे हैं, सूरज अभी तो 2 महीने हो रहे हैं गर्मियों के, इसलिए मैं कपड़े रात में धोती हूँ, सुबह उतार लेती हूँ, सुबह होते ही मतलब थोड़ी बहुत धूप भी लग जाती है। और अभी कुकू तो सो गई, खाने में आज मैंने वो बनाया था, आप शॉर्ट वीडियो में देखना, मैंने आज वो बनाई है कच्ची आमी, मतलब वो कच्चा जो आम होता है ना उसकी सब्जी, कच्ची कैरी की आप लोग बोल सकते हो, खट्टी मीठी सब्जी। तो अभी हम खाएंगे एक दो, बाकी और सिट बहुत रुक जाओ ना, मैं कह रही बहुत देर से पता नहीं क्या अटक रहा है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। अब क्या हो गया ये गाइस, फंस गया, निकल ही नहीं रहा। अरे
इधर लाओ पास हॉस्पिटल में बहुत देर से उठने की कोशिश कर रही हूँ, पता है बोलते बोलते मैं उठ नहीं पा रही, नहीं पता नहीं कैसे चिपक गई यार। टूट आई निकला नहीं, टूट गया, तोड़ना पड़ा। तो गाइस अभी सारी किसी टुको नींद, लेकिन अब खाना देख के खा नहीं लाती, ठंडा है ना वो, मीठा भी है तो अच्छा लगेगा। गाइस मैं लेके आया, मैं इसलिए पता है मैं बार बार उठ रही थी, तो बार बार मैं क्या मेरे पैर कैसे चिपक रहा है, बार बार मैं इसमें अटक गया। सिटो मैं लेके आया गाइस और मुझे नहीं पता चला कि ये मीठे भी है, स्मेल आया इन्होंने बस खाली बाहर से ही कहीं स्मेल तो मीठे की आ रही है, बताओ भाई तो पता चल रहा था मीठे की। यार सिटो मुझे तो नहीं पता चलता यार, आप लोग भी खा लो जाके अपने अपने घर, क्योंकि यहाँ कुछ बचने का नहीं, वैसे बहुत सारे रखे लेकिन अब क्या करें, आप लोग थोड़ी आ सकते थे दूर से। हाँ और क्या, वैसे तो हमारे यहाँ घर पांच पांच लेके आया था मैं, तो अभी बचे हुए चार सुबह सुबह बना रही हूँ पोहा, ठीक है, आलू और मूंगफली हो गए हैं। सुबह सुबह किचन का हाल यार कुछ ऐसा ही मिलता है, मैं खरबूजा निकाल दिया है कुकू के लिए क्योंकि उसने रात को नहीं खाया था, सो गई थी और यहाँ पानी भर रहा है, आ गई कुकू घूम के, सुबह सुबह डेली घूमने जाती है ये, एक चक्कर तो जरूर है। आ जाओ जी मैम नंगे पैर, ब्रेकफास्ट टाइम। चटनी बना दो, चटनी बना दो, साथ में ले लेंगे, अभी ठंडी हो जाएगी चाय, पर बन जाएगी जल्दी है ना, नमक डाल लिया आपने? हाँ ठीक है तो बना दो, मंगाना है, लाइट आ गई ना, हाँ लगा दो। हाय गाइस, तो मैं कुकू को स्कूल से लेकर अभी अभी आई हूँ और देखो मैंने आके ना वो पानी पिया फिर खरबूजा वगैरह खाया, तो देखो लिपस्टिक लग गई है। क्या हुआ बेटा, ऑयल लगाऊं? हाँ अभी लगा रही हूँ मैं, यहाँ पे खाना बना रही हूँ, ठीक है, रोटी गर्मा गर्म। और मेरी शोना का पैर ना छिल गया थोड़ा सा ना इनसे, जो इसकी न्यू वाले स्क्रॉच थे ना ये, इधर आओ दिखाना, और कपड़े अपनी पसंद के पहनने हैं अगली को, शॉर्ट वीडियो में देखना आप, मैंने मतलब दूसरे कपड़े निकाले थे इसके लिए लेकिन इसने पहने दूसरे हैं, इसको मम्मा की पसंद पसंद ही नहीं है, बताओ मैं क्या करूँ, है ना कुकी? गौर कर रहे हो, गंदी बात है ये, पता है जो मम्मा कपड़े निकाले वही पहनने चाहिए। खाओ कहाँ चोट, चोट ऑयल लगा दो, पाउडर लगा दो, पाउडर नहीं, क्यों पाउडर तो मच्छर लगाते हैं। अच्छा जब पाउडर जब लगाते हैं जब मच्छर खाते हैं, आपके इतने भले बाल हो ले, क्लिप लगा लो ना, क्लिप क्यों हटा लेती हो? चलो गाइस मिलते हैं यार खाना खाने के बाद। सो गाइस हम इस ब्लॉग का ऐसा करते हैं, हम इसमें आपको कुछ नहीं दिखा पाए क्योंकि हम शूट करना भूल गए थे और कुछ नहीं इतना तो बन ही गया है व्लॉग, तो कल बन गया था इतना, तो इतना छोटा ही व्लॉग, ठीक है अभी तो, अभी हमने गाइस बहुत दिनों बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको बड़े व्लॉग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आजकल पता है इंस्टाग्राम पे वो भी तो चल रहा है कि बस स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में, और इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शॉर्ट व्लॉग में जो भी है, मतलब तो इस तरीके का ये व्लॉग है गाइस, आपको कैसा लगा प्लीज बताना, अगर इसी टाइप का आपको व्लॉग चाहिए तो प्लीज फॉलो सब्सक्राइब, ठीक है, कमेंट और शेयर। हाँ तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ गाइस आपको सस्पेंस होगा तो कुछ वेट कर लेना, गाइस आपको ऐसे ही सच में व्लॉग पसंद है तो प्लीज कमेंट, ठीक है। और गाइस अभी तो हमने अपनी आवाज में वीडियो बनाना स्टार्ट किया, इतना कमेंट भी आने लगे, चलो कोई नहीं। मैम आपको बता दूं, जो मेरा ये मेकअप नहीं है, आप खुद देखो, ये तो फोन चला चला के काले घेरे बन चुके हैं, ये बिंदी और लिपस्टिक है, पता है फिल्टर लगा लेते हैं ना इंस्टाग्राम पे, उसको पता है इतने सारे कमेंट आते हैं कितना मेकअप करती है रात में, ये वो मुझे समझ नहीं आता ये लगाने से ना, और उसमें फेस गोरा हो जाता है फिल्टर लगाने से। गाइस सच बोल रहा, आप लोग फिल्टर की बहुत मेकअप करते थे, दिखाओ मेकअप, पसीने आ रखे हैं, मुझे सब्जी बना के। और हां गाइस इतने देर का तो व्लॉग तुमने बना दिया, जो कि मैं अभी एंड करने वाली थी लेकिन उन्होंने करने नहीं दिया। मैं पता है सिटू के लिए क्या बना रही हूँ, सिटू खाना जल्दी,
जल्दी इसको थोड़े चलाओ, थोड़ा वरना जल जाएंगे। मैं बना रही हूँ क्रिस्पी करेले, ठीक है? फेवरेट या फेवरेट? फेवरेट है मेरा, माय फेवरेट करेला। तो गाइस चलो, मतलब मैं पहले करेला नहीं खाता था गाइस, शादी से पहले बिल्कुल नहीं खाता था, लेकिन अब शादी के बाद मेरे पे छोड़ दिया। इस व्लॉग को सब लोग देखेंगे तो इतनी सच्चाई मत बोलो। तो गाइस चलो इसी के साथ व्लॉग का करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।